हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे अक्षर ख की कहानी। एक पेड़ पर एक बंदर रहता था, उसका नाम था ख से खीनू। खीनू बड़ा ही नटखट था। वह अपने दोस्त ख से खरगोश को बहुत तंग करता था। एक दिन खरगोश ख से खाने के लिए खीरा और ख से खरबूज लेकर आया। जब खरगोश खाने के से पहले हाथ धोने गया, खीनू ने सारा खाना खा लिया। जब खरगोश आया, खाना नहीं देखकर वह बहुत उदास हो गया। खीनू खरगोश के साथ हमेशा ऐसा ही करता था। एक दिन खरगोश ने सोचा, क्यों ना आज खीनू को मजा चखाया जाए। उसने ख से खीर बनाई और चम्मच लाने अंदर चला गया। खीनू खीर देख के खुश हो गया। वह जल्दी से गया और खीर खाने लगा। खीर खाते ही उसका मुंह ख से खट्टा हो गया। खरगोश आया और वह हंसने लगा। खीनू समझ गया कि खरगोश ने उसे मजा चखाया है। तब खीनू के समझ में आ गया कि हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन खीनू और खरगोश एक साथ पेड़ के पास ख से खंडहर में गए। वहां उन्होंने ख से खटिया देखी। खटिये के नीचे ख से खजाना रखा हुआ था। खीनू ने उसे हिलाया तो उसमें से सिक्कों की ख से खनकने की आवाज आ रही थी। उन दोनों ने मिलकर खजाने को खटिये के ऊपर रखा। खटिये के ऊपर बहुत सारे ख से खटमल थे। खटमल ने खीनू और खरगोश को काट लिया। दोनों वहां से भागकर राजा के पास गए और खजाने के बारे में बताया। राजा ने इनाम में खीनू और खरगोश को ख से खिलौने दिए और वह दोनों बहुत खुश हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी अपने दोस्तों को तंग नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए प्यार से। तो बच्चों, आज हमने इस कहानी में कुछ ख से शब्द सीखे हैं। तो आओ हम उन्हें रिकैप करें। ख से खीनू, ख से खरगोश, ख से खाना, ख से खीरा, ख से खरबूज, ख से खटिया, ख से खंडहर, ख से खजाना, ख से खटमल, ख से खिलौना। थैंक यू बच्चों।